प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित कविता भेड़िया का तीसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता के व्याख्यान से पहले कविता से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। नई कविता के समर्थक कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक ऐसे संवेदनशील रचनाकार हैं जो एक ओर अपनी निजी कोमल भावनाओं को अपनी कविताओं में अभिव्यक्त करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जन की पीड़ा, आर्थिक विषमता से छटपटाते उनके दुख दर्द और अपने समय के यथार्थ को भी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। वस्तुतः वह एक ऐसे युग चेता कवि के रूप में उभरे हैं जिनका भारत की स्वतंत्रता के उपरांत दूसरे बुद्धिजीवों की तरह भारत की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति पूरी तरह मोहभंग हो गया था। वे देश की व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे और इसके लिए वे अपने काव्य में जनता का आह्वान भी करते रहे हैं। इस कविता में सत्ताधारियों के भेड़ियेपन के प्रति तीखा आक्रोश और व्यंग व्यक्त किए हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि समाज में नए नए जन्म लेने वाले भेड़ियों को पहचानना जितना जरूरी है, उन्हें जलाने के लिए मसाल लेकर निकलना भी उतना ही जरूरी है। इस कविता में कवि की क्रांतिकारी चेतना को हम प्रस्तुत पंक्तियों में देख सकते हैं। भेड़िया कविता तीन हिस्सों में लिखी गई है। पहले हिस्से में समाज भेड़ियों का सामना करता है और दूसरे में उसे हराता है और तीसरे में नए भेड़ियों को फिर से जन्म देता है। तो आज हम भेड़िया कविता के तीसरे हिस्से की विवेचना करेंगे। कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया हूं। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। भेड़िया फिर आएंगे अचानक, तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा, उसका वंश बढ़ने लगेगा। भेड़िए का आना जरूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मसाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया मान से निकाला जाएगा, आदमी साहस से एक होकर मसाल लिए खड़ा होगा, इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी धोखेबाज राजनेताओं से सचेत करते हुए कहते हैं कि एक धोखेबाज को मारकर भगाओ तो दूसरा फिर से पैदा हो जाएगा। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग व्याख्या करते हैं। यहां कवि कहते हैं कि धोखेबाज रूपी भेड़ियों का भी अंत नहीं होगा, अर्थात इस समाज में धोखेबाज भेड़ियों का कभी अंत करना नामुमकिन है, क्योंकि एक जाने के बाद दूसरा उसके स्थान को ले लेता है। एक भेड़िये को अगर मारोगे तो कल तुम में से एक फिर भेड़िया बन जाएगा। इस भेड़िये रूपी राजनेताओं का वंश हमेशा ही बढ़ता रहेगा। कवि आगे कहते हैं कि इन भेड़ियों का आना जरूरी भी है, इससे कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचान सको, तुम्हें इस भेड़िये से निर्भय होकर लड़ने में
सुख को जानने के लिए और फिर से मसाल जलाने अर्थात विद्रोह सीखने के लिए। हमारे समाज में मांद रूपी बिल से ऐसे भेड़िए निकलते रहेंगे और जिसके प्रभाव से तुम जैसे लोग फिर से पूरे साहस के साथ मसाल लिए खड़ा होगा। यह समाज हमेशा रहेगा और तुम भी और ये भेड़िए भी। इस प्रकार इस कविता में अंततः मैं यही कहूंगा कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने आम लोगों को राजनेता रूपी धोखेबाजों से बचने एवं इनके खिलाफ विरोध करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। कवि ने भेड़िए रूपी धोखेबाजों की पोल खोलते हुए लोगों को इनसे सचेत रहने की सलाह देते हैं और साथ ही इनके होने के महत्व को भी बताते हैं कि किस प्रकार इनके होने से समाज में हमेशा आम लोग इसका विरोध करते हुए सचेत रहते हैं। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक सब्सक्राइब एवं कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें ताकि यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।